हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई जज्बा में। दोस्तों, ट्रेड्समैन, ITBP एवं BSF, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको सुबह 5 बजे हर सब्जेक्ट से मैथ, GK, रीजनिंग और हिंदी से संबंधित हर सुबह 5 बजे एक वीडियो अवेलेबल कर देंगे। आज दूसरा दिन भी GK से है, लेकिन आज का जो वीडियो लाए हैं वो ट्रिक पर आधारित है। GK ट्रिक, आसानी से किसी भी सामान्य ज्ञान को याद करने की जो तरीका है, जो शॉर्ट ट्रिक लगाए हैं, उस पर हम आज का वीडियो बनाए हैं, जिसमें हम खेल पे देखेंगे, राज्य के जनसंख्या पर देखेंगे, राज्य के क्षेत्रफल पर देखेंगे। इससे संबंधित जो भी GK ट्रिक बनता है, हम उस पर आज ये सवाल क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से नॉर्मल से एक ट्रिक आप याद करेंगे तो खेल के सारे पदक के बारे में जान जाएंगे, दूसरा राज्य के जनसंख्या के बारे में जान जाएंगे और तीसरा क्षेत्रफल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये तीन जो आपको बताएंगे बहुत ही ईजी होगा, कम समय में आप इसको समझ जाएंगे। तो अब अपना शुरू करते हैं ये वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ट्रेड्समैन की अगर आपने फॉर्म भरा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड भर्ती के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी और इससे जुड़ी जो भी न्यूज आएगी सबसे पहले हम आपको पहुँचाएँगे। तो आप हमारे चैनल को जहां वीडियो प्ले हो रहा है वहां सब्सक्राइब लिखा है उसको क्लिक करें, साथ में बेल आइकन के भी घंटी को दबाएं ताकि आप हमसे अपडेट होते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने पहला जो हम GK ट्रिक लाए हैं वो खेल पे कप से संबंधित है। पहले हम बात करेंगे हॉकी के बारे में। हॉकी कप कौन कौन सी है पदक जिसमें हॉकी की खेल होती है, उसके एक ट्रिक आप याद रखिएगा। अगर कोई भी पूछ देता है कि महाराजा यानी महाराजा रणजीत सिंह कप किस खेल से संबंधित है, तो महाराजा रणजीत सिंह कप हॉकी से संबंधित है। इस तरफ क्या आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन होता ही होता है इससे। अगर GK की क्वेश्चन GK उसमें दिया हुआ है ट्रेडमैन में भी, तो एक क्वेश्चन इस प्रकार के होता ही है, चाहे अन्य भी एग्जामों में एक तो पूछा जाता, चाहे क्रिकेट से हो, चाहे फुटबॉल से हो, चाहे हॉकी से हो। तो हम उसके कप के बारे में बताएंगे, ट्रिक क्या बनती है हॉकी के। अगर आप यहाँ देखिए एक ट्रिक बन लगाए हैं कि महाराजा आगा खा रंग बटे, ठीक है, ध्यानचंद्र इंदिरा नेहरू संग, क्या कह रहा है कि महाराजा आगा खा रंग बटे ध्यानचंद्र इंदिरा नेहरू संग। तो ये एक ट्रिक है, आप इसे याद कर लीजिए। अब इसमें सारा हॉकी का जो कप है ना सबका नाम आ गया और एक लाइन भी हो गई, ठीक है, कि महाराजा आगा खा रंग बटे ध्यानचंद इंदिरा नेहरू संग। तो चलिए ये याद करने में कई बार बोल दिया, फिर एक बार, महाराजा आगा खा रंग बटे ध्यान चंद इंदिरा नेहरू संग। अब देखिए महाराजा से क्या होता है, महाराजा से हो गया महाराजा रणजीत सिंह कप। तो देखिए जी सब, जैसे महाराजा रणजीत सिंह कप आता है तो इसमें महाराजा शब्द है, अगर आपको ये ट्रिक याद हो तो आप लगा देंगे कि हॉकी के है, ठीक है। आगे आगा खां कप किस चीज़ से है, आगा खां दिया है ना, आगा खां कप, ठीक है। रंग माने रंगा स्वामी कप भी किस चीज़ से है, हॉकी से है, ठीक है। तो महाराजा आगा खां रंग बटे ध्यान चंद इंदिरा नेहरू संग, तो रंग से रंगा स्वामी, बटे से बेटन कप किस खेल से संबंधित है, बटे से आ गया, तो ये हो गया हॉकी से। ध्यानचंद का मतलब ध्यानचंद कप, ठीक है, इंदिरा कप और नेहरू कप, ठीक है। संग माने हो गया सिंधिया कप। तो देखिए ये एक श्लोक था जिसमें सारा कप का जिक्र हो गया है, ठीक है। इस तरह की हमने आपको बता दिया कि हॉकी कप को ट्रिक में कैसे जानेंगे, महाराजा आगा खा रंग बटे ध्यान चंद्र इंदिरा नेहरू संग। महाराजा मतलब महाराजा रणजीत सिंह कप, आगा खा मतलब आगा खा कप, रंग मतलब रंगा स्वामी, बटे माने बैटन कप, ध्यानचंद मतलब ध्यानचंद कप, इंदिरा यानी इंदिरा कप, नेहरू माने नेहरू कप और संग माने सिंधिया कप।
और ये जितने कप है वो किसी से संबंधित है, हॉकी से। चलिए अगला खेल के कप के बारे में हम ट्रिक जानेंगे। अच्छा अगला हमारा है बैडमिंटन कप। अब बैडमिंटन में कौन कौन से कप होता है, कौन कौन से खेल में पुरस्कार दिया जाता है, उसके लिए जो ट्रिक बनता है वो बनता है दीवाना सुर में थमके नाचे। देखिए ठीक है, इसको याद कर लीजिए बैडमिंटन से अगर पूछता है तो। यही एक ऐसा ट्रिक है जो बैडमिंटन में होने वाले सारे कपों का नाम इसमें दिया हुआ है। ठीक है, क्या है? दीवाना सुर में थमके नाचे। तो दीवाना का मतलब क्या हो गया? दीवाना मतलब होता है अमृत दीवान कप। अब देखिए दीवाना शब्द से अगर हमको ये याद है और कोई ऐसा कप दिया उसमें दीवाना शब्द है, दीवान शब्द है, तो हम इसे उसको क्या करेंगे, रिलेटेड डालेंगे कि ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, क्योंकि दीवाना सुर में थमके नाचे। सुर से क्या हो गया? सुधीर मन कप। ठीक है, सुधीर मन कप सु से हो गया, रस से सुर में रस हो गया, रहम तुला कप लाल में किया गया, थम यानी थम का मतलब हो गया थमस कप, और ना का मतलब हो गया नारंग कप। एक और है च, और च का मतलब हो गया चड्डा कप। तो ये आप समझ गए, आगे देख लेते। चलिए क्रिकेट कप के बारे में बात करेंगे। देखिए ये तो महत्वपूर्ण है ना, क्रिकेट के से तो पूछ सकता है। अब क्रिकेट की ट्रिक क्या बनती है? रईस दिलीप झांसा दे गया, यही आप जान जाइए, रईस दिलीप झांसा दे गया। अगर आप चलो क्रिकेट की ही बात कर लें कि पूरी क्रिकेट की जो ट्रॉफी है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसकी एक ही ट्रिक बनती है कि रईस दिलीप झांसा दे गया। र से हो गया रणजी ट्रॉफी, ई से हो गया ईरानी ट्रॉफी, स से हो गया सी के नायडू ट्रॉफी। रईस हो गया, दिलीप यानी दिलीप ट्रॉफी, झांसा मतलब झांसी रानी ट्रॉफी। आगे है दे गया यानी देवघर देवधर ट्रॉफी। तो ये आप जान गए क्या जाने कि क्रिकेट कप में जो ट्रिक हमारा बन रहा है वो है कि रईस दिलीप झांसा दे गया। तो चलिए ये तो क्रिकेट कप के बारे में जान गए, रईस र से रणजी, ई से ईरानी, स से सी के नायडू, दिलीप से हो गया दिलीप ट्रॉफी, झांसा से हो गया झांसी रानी ट्रॉफी, और दे से हो गया देवघर ट्रॉफी। आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे फुटबॉल कप। अब जो फुटबॉल जो खेल गेम है उससे रिलेटेड बात करेंगे, कौन कौन सी कप उसमें होती है, उसका ट्रिक जो बनता है वो हमारे तरह हमसे बनता है, रोस में आकर सुड से आम तोड़े। रोस में आ करके गुस्सा में आ करके किसे? सुड से आम तोड़े। ठीक है, अब सुड से आम तोड़े रोस से, अब रोस की जान जाते हैं, रोस से हो जाएगा रोवर्स कप, स से हो जाएगा संतोष ट्रॉफी, से आकर सुड यानी सु से सुब्रोतो कप, और ड से डुरंड कप। ठीक है, और सुड से आम तोड़े, आ से हो गया आशुतोष कप, और म से होगा मार्डेन कप, जो रेड कलर है वही मेन है। ठीक है, तब फिर देख लीजिए, रोस में आकर सुड से आम तोड़े, रो से रोवर्स कप, स से संतोष ट्रॉफी, सु से सुब्रोतो कप, और ड सुड हो गया तो ड से हो गया सुड हो गया तो ड से डुरंड कप। ठीक है, और आम तोड़े आ से आशुतोष कप, और म से हो गया मार्डे का कप। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम अब जानेंगे क्षेत्रफल से रिलेटेड। अब क्षेत्रफल के अनुसार भारत के सबसे बड़े राज्य के बारे में जानेंगे। अगर कोई प्रश्न देता है कि भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, और लगातार चार राज्य बताइए। ठीक है, अब तो चार तो यहाँ दिया हुआ है, तो चार राज्य बताइए, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, राम महान है और आप, राम महान है आप, या और लगा लेते अगर तो थोड़ा और हो जाता, इसमें कट गया। चलिए राम महान है और आप, ठीक है, तो रा से हो गया राजस्थान, म से हो गया मध्य प्रदेश, महान से हो गया महाराष्ट्र, और आप से हो गया आंध्र प्रदेश। तो ये चार जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़े राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बात करेंगे, याद हो गया, फिर एक बार बता दे, राम महान है और आप, ठीक है, तो रा से हो गया राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, महान से महाराष्ट्र, और आप से आंध्र प्रदेश। आगे देख लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अब तक के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण हमारा है अब आया है, जनसंख्या के अनुसार भारत के बड़े राज्य। ये बार बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट, दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा, तो चार ऐसे स्टेट का नाम हम आपके ट्रिक पर है जो भारत के सबसे बड़े हैं।
यूपी ने बिहारी के गाल पर मारा। यही बात जान जाइए, सारा काम हो गया, इतना में ही हो गया। यूपी ने बिहारी के गाल पर मारा। अब यूपी से हो गया उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, बिहारी से बिहार सबसे बड़ा जनसंख्या के दृष्टि में, गाल यानी बंगाल, बंगाल से बंगाल, और मारा से महाराष्ट्र। यहाँ तक देखें तो एकदम ये है थे सबसे बड़े राज्य। फिर एक बार देख लीजिए, यूपी ने बिहारी के गाल पर मारा, यूपी से उत्तर प्रदेश, बिहारी से बिहार, गाल से बंगाल और मारा से महाराष्ट्र, जनसंख्या के अनुसार ये हो गए। तो ट्रिक कैसा लगा लिखते जाइए, और इस पर आपको आधारित एक एक बार देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण हम आपको ग्रह से संबंधित ट्रिक दे रहे हैं, आकार के अनुसार ग्रह और बड़े से छोटे, ठीक है। सबसे बड़े बताएंगे फिर उससे छोटे की तरफ बताएंगे उसका ट्रिक क्या बनता है, लिख लीजिएगा। ट्रिक ये बनता है कि जस्ट सर्व अस नमकीन, क्या बोल रहा है कि जस्ट सर्व अस नमकीन एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM, ठीक है। सीधी सी जस्ट सर्व अस नमकीन एंड EVM, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहिए या EVM कहिए, फर्स्ट अक्षर सभी का लेंगे, ठीक है। अब देखिए जस्ट से जो पहला हमारा बनता है, जस्ट में जे है तो जे से हो गया जुपिटर यानी बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। अब सर्व से एस से शनि यानी अष्टुर्म, ठीक है। यू अस, अस से हो गया अरुण, अरुण का अंग्रेजी में क्या कहते हैं वरुण्स बोलते हैं, ठीक है, अरुण्स बोलते हैं जो लिखा हुआ है, यू से यूरुन्स। आगे है अब नमकीन, नमकीन में हमारा क्या लिया है एन लिया है, और एन से हो गया वरुण, ठीक है, वरुण यानी नेपटून। और ईवीएम, ईवीएम उसके बाद वरुण के बाद आते हैं अर्थ यानी पृथ्वी, भी से वेनु शुक्र, और एम से मंगल यानी मार्स, सबसे छोटा ग्रह मंगल, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, ठीक है। तो ये थी ट्रिक, जस्ट सर्व एस नमकीन एंड ईवीएम, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम आप पता लगा सकते हैं अगर ग्रहों के अंग्रेजी में आपको नाम पता है तो। आगे अब दोस्तों लास्ट हम आपको ट्रिक के माध्यम से ये बताएंगे कि, और ये अभी तक जो बताए हैं एकदम महत्वपूर्ण है, अभी बताएंगे कि भारत के पड़ोसी देश क्या है, भारत के पड़ोसी देश। ट्रिक के माध्यम से आपको पता होना चाहिए कि भारत के पड़ोस में कौन कौन से देश हैं। तो ट्रिक क्या कहता है कि बचपन में MBA किया, यही अगर आपको याद हो गया अगर कि बचपन में हमने क्या किया MBA किया, तो आप सभी इससे बता देंगे कि भारत के पड़ोसी देश क्या है। अब बचपन को ले लीजिए, बस से बांग्लादेश, सीमा 4096 किलोमीटर लगती है, बचपन में च आएगा तो यानी चीन, 3917 किलोमीटर इसकी चीन सीमा है। प से हो गया पाकिस्तान, 3310 किलोमीटर, न से होगा नेपाल, 1752 किलोमीटर। बचपन में MBA किया, एम से म्यांमार, 1458 किलोमीटर, बी से भूटान, 587 किलोमीटर है भूटान का, सॉरी, और MBA ए से लास्ट हो गया अफगानिस्तान, 80 किलोमीटर की सीमा हमारी अफगानिस्तान से टच करती है। ये था दोस्तों अभी तक का ट्रिक। कैसा लगा वीडियो, आपको इससे कितना लाभ हुआ जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप अपनी तैयारी में रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।